अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर कहा कि चलती हुई चीजों की लंबाई रुकी हुई चीजों से कम हो जाती है, जिसे हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। एक न्यूट्रल कॉपर के तार को इमेजिन करो जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल बराबर है। अब अगर इस कॉपर वायर के पास एक पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएं तो कुछ नहीं होने वाला, और अगर हम कॉपर वायर में करंट को फ्लो कराएं तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को चलने के लिए कहूं बिल्कुल उसी डायरेक्शन और रफ्तार पर जिस पर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने पॉजिटिव चार्ज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अब इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन्स आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और जैसा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया था, चलती हुई चीजों की लंबाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी जिनके कंपैरिजन में रुकी हुई चीजों की लंबाई बढ़ती है। तो इस आधार पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वायर अब न्यूट्रल नहीं रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज मिलकर हमारे पॉजिटिव चार्ज पर एक रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे, और अब हम कहेंगे कि ये है मैग्नेटिक फोर्स। अब यहां से पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड असल में इलेक्ट्रिकल फील्ड ही है, लेकिन अगर उसे डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो। अगर इसके ऊपर आपको एक फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस प्लीज लिखना।